नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा का हालचाल ले रहे हैं, माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ जनता का मूड भी भांप रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई विधानसभा के साथ। ये विधानसभा है एटा की मारहरा सीट। आपको बता दूं कि 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच एटा भी नहीं बचा। एटा की चारों विधानसभा सीटों को क्लीन स्वीप कर लिया बीजेपी ने, और ऐसे में एटा की मारहरा सीट पर भी बीजेपी का जलवा कायम रहा। बीजेपी के वीरेंद्र लोधी साहब ने इस सीट से विधायकी लड़ी और विधायक बने। लेकिन 2017 से लेकर आज यानी 2022 में क्या कुछ बदला कि आज भी मारहरा से वीरेंद्र सिंह का नाम रोशन है या फिर कुछ और ही स्थिति है, यहां की माहौल क्या है उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा मारहरा सीट की तस्वीरें देखिए। मारहरा विधानसभा दिखता कैसा है जरा उस माहौल में आइए। उस माहौल के लिए मारहरा सीट की तस्वीरों के साथ तस्वीरें चलाइएगा जरा स्क्रीन पर। तो ये मारहरा सीट की तस्वीरें हैं। मारहरा दिखता कैसा है इसको आप जरा देखिए, हम भी देखते हैं आप भी देखिए। तो मारहरा पर जो जमीनी हाल है वो ये है कि सड़क किस तरह की दिखती है। वीरेंद्र सिंह लोधी साहब के लगे हुए हैं, शिलापट्ट लगे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बताती हैं। ये सड़क का हाल देखिए आप, ये मारहरा सीट की सड़कें जहां की तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है। आपको बता दें कि मारहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का गठन साल 2008 के परिसीमन में किया गया था। इससे पहले यहां साल 1962 में चुनाव हुए थे, तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रघुवीर सिंह ने यहां जीत दर्ज की थी। 2008 में संसदीय परिसीमन के बाद साल 2012 में यह फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान सभी पार्टियों में मारहरा सीट कब्जाने की होड़ लग गई। समाजवादी पार्टी को इसमें कामयाबी मिली और पार्टी के उम्मीदवार अमित गौरव ने 61,827 वोटों के साथ शानदार जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर जेएकेपी के वीरेंद्र रहे जिन्हें 22,256 मत मिले थे। हालांकि आपको बता दें दर्शकों कि 2017 के दूसरे चुनाव में पासा पलट गया। माना जा रहा था कि इस बार मुकाबला एसपी और बीएसपी का होना था, 2017 की बात कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी की लहर ने सारे के सारे गणित अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। और इससे पहले रनर अप रहे वीरेंद्र ने बीजेपी के टिकट पर 48% वोटों के साथ धमाकेदार बंपर वोट पाए, बंपर वोट के साथ जीत दर्ज की। उन्हें आपको बता दूं कि 92,507 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सिटिंग एमएलए अमित गौरव रहे जिन्हें 30% यानी कि लगभग 60,000 के लमसम वोट मिले। बीएसपी के 16% वोटों के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। मारहरा में आपको बता दूं कि तकरीबन 3,52,000 मतदाता हैं। तो ये हाल है मारहरा सीट का, जहां पर इससे पहले आपको बता दूं कि 2017 से पहले अमित गौरव साहब यहां के विधायक हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद ये सीट अब वीरेंद्र सिंह लोधी के हाथों में है। तो मारहरा सीट वीरेंद्र सिंह लोधी 2017 में विधायक बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कायाकल्प होता नजर तो नहीं आता तस्वीरों के जरिए। ऐसे में एक और बात आपको बताता हूं, एक ब्रेकिंग आपको बताता हूं, वो ये है कि मारहरा में आपको बता दूं दर्शकों कि मारहरा में अब वीरेंद्र सिंह लोधी के टिकट कटने की खबर आ रही है। जी हां, ऐसा माना जा रहा है, एक लिस्ट भी वायरल हुई है, उसकी सत्यता की गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन आपको एक बात बता दें कि मारहरा से वीरेंद्र सिंह लोधी की टिकट भी कट सकती है। और इस बाबत जानकारी हमारे जब संवाददाता आसिफ ने जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि लोगों का कहना है कि वीरेंद्र के अलावा अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो बीजेपी की जीत पक्की है, लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह लोधी को टिकट मिलता है तो जीत होना मुश्किल है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह लोधी से यहां की जनता खासा नाराज नजर आ रही है। तो इस सीट पर क्या कुछ हाल है इसको जानेंगे समझेंगे। हमारे संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमको बताएंगे कि लोग वहां के क्या सोच रहे हैं। अन्य लोगों से बातचीत होगी, इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि जमीनी हाल क्या है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मारहरा सीट 2017 से पहले जो कि पहले सपा के हाथों में थी, और 2017 में भी यही अंकगणित लगाया गया था कि बसपा और सपा के बीच मुकाबला होना है, लेकिन बीजेपी की लहर में मारहरा सीट चली गई वीरेंद्र सिंह लोधी के पास, जिन्होंने बीजेपी से टिकट लड़ा था, टिकट लिया था और चुनाव लड़ा था और बंपर मतों के साथ जीत हासिल की। ऐसे में हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं एटा की मारहरा सीट से, वो हमको और लोगों के बीच ले जाएंगे और जानकारियां मुहैया कराएंगे। तो आसिफ बहुत बहुत स्वागत आपका मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन में। आसिफ, सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरुआत करूंगा
की एक जानकारी है कि मारहरा से वीरेंद्र सिंह लोधी साहब का टिकट कट सकता है, और लोगों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह लोधी का अगर टिकट कटता है तो बीजेपी को फायदा है, अगर वीरेंद्र सिंह लोधी को ही टिकट मिल जाता है तो घाटा ही घाटा है। इस पर क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि हमने गांव में जाकर 105 विधानसभा पर देखा, वहां लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर 105 विधानसभा पे अगर दोबारा से वीरेंद्र लोधी का चेहरा आता है तो हम किसी और को वोट करेंगे, हमें बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट चाहिए, किसी भी जाति का चाहिए, लेकिन वीरेंद्र लोधी नहीं चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। आसपास आपके लोग हो तो उनसे बातचीत करिएगा और जानिएगा कि क्या क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, मुद्दे क्या है, प्रमुख मुद्दे क्या है। जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? क्या लगता है 2022 में किसके सर पे ताज होगा मुख्यमंत्री का? ताज किसी के सर पे हो, आज जो प्रदेश की जनता है वो विकास में चुनाव चाहती है, वो रोजगार में चुनाव चाहती है, शिक्षा में चुनाव चाहती है। आज यहाँ जनपद एटा में सारी व्यवस्थाओं की कमी है, न कोई बड़ी अच्छी शिक्षा है, न स्वास्थ्य मामले बिल्कुल स्थिति बहुत खराब है, और रोजगार तो है ही नहीं। ये देश प्रदेश की जनता सिर्फ स्वास्थ्य में चुनाव चाहती है, विकास और रोजगार में चुनाव चाहती है। क्या कर रखता है कि दोबारा बीजेपी सत्ता में आएगी, विकास होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विकास तो सारे दलों का ये सिर्फ योजना है। सरकार का कहना है कि 4.5 सरकार ने सारे वादे पूरे किए, बिल्कुल झूठी बात है भाई। आज कहीं आप देख लीजिए, यहाँ लखनऊ देख लीजिए, हर जगह बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, किसान रोड पर है। आसिफ, एक और चीज जानने की कोशिश करिएगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मारहरा सीट पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद आज क्या पैमाना देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में कुछ हुआ था काम या मारहरा सीट को ऐसे ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था? जी, 105 विधानसभा मारहरा आता है आपका, वहाँ शिक्षा को लेकर और क्या लगता है विकास को लेकर क्या कुछ रहा? हम कह रहे हैं और स्वास्थ्य को, यहाँ का टोटल जनमानस इन तीनों मुख्यमंत्रियों से अटका हुआ है, कहीं भी किसी को कोई राहत नहीं है, चाहे सरकार कोई भी आ जाए, इस पूरे जनपद में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ से जो यहाँ के युवा हैं वो कहीं सुखबान आगरा बाहर जाके शिक्षा के लिए जाते हैं, या कोई शिक्षा का अच्छा इंतजाम है ही नहीं। ये सब यहाँ का जनमानस ये चाहता है, सबसे ज्यादा अगर काम हो तो शिक्षा पे हो। प्रदेश का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इस पर क्या कहना? बिल्कुल गलत, सबका साथ नहीं है, सबका साथ अपनों का विकास। ये उदाहरण है सामने भाई, आज किसान परेशान है, किसान को खादी नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, कहीं नहीं, आप चले जाइए खेतों में जानवर कुत्ता घूम रहे हैं, रोडों पर जानवर घूम रहे हैं, कहां विकास, सब्जी का बुरा हाल है। ये तो जो सरकारें आती हैं सबका उद्देश्य एक ही है, अच्छे अच्छे नारे दो। जैसे कि अभी सर साफ तौर से हमारे साथ साथी जुड़े, इनका कहना है सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ अपना विकास। आसिफ, एक और चीज जानेगा कि अगर नाराजगी किससे है, बीजेपी सरकार से नाराजगी है, प्रदेश सरकार से नाराजगी है, या फिर स्थानीय विधायक से नाराजगी है, नाराजगी किससे है? क्या लगता है आपको किससे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या वहाँ के एमएलए से या प्रदेश के मुख्यमंत्री से? हम सबसे नाराज हैं, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं अब तक सबने किसी ने सबने जो है एटा की अनदेखी की है, किसी ने कोई एटा के लिए काम नहीं किया है। यहाँ रेलवे आजादी के समय से वैसे ही पड़ा हुआ है, आज तक कासगंज यहाँ से 30 किलोमीटर नहीं जुड़ पाया, जो इस जनपद के लोगों की बहुत मुख्य मांग है कि यहाँ हमारा जनपद जो है बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े इलाकों से रेलवे सुनना चाहिए, लेकिन किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जुमले देते हैं। सरकार कोई भी हो, कोई भी नेता हो, सबका एक ही उद्देश्य है यहाँ की पब्लिक को सबल बनाना, और कोई विकास पर काम नहीं। जैसे बताया आजादी के टाइम से एटा को रेल नहीं मिली और विकास के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। ठीक है, आसिफ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी लोगों से जानिएगा कि यहाँ पर अगर बीजेपी से नहीं आता है एमएलए तो फिर कौन सी पार्टी का एमएलए वो देखना चाहते हैं। जी आसिफ जी, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के एमएलए अगर ना देखना चाहे वो, उनसे अगर नाराजगी है तो फिर कौन सी पार्टी के एमएलए को देखना चाहेंगे वो? चलिए, तो शायद हमारा जो संपर्क है वो आसिफ से टूट गया है,
एक बार फिर संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि एटा की मारहरा सीट से आज कार्यक्रम चल रहा है। एटा की मारहरा सीट का सियासी ताप क्या कुछ कहता है, इसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूपी एडिशन है मेरा गांव मेरा देश का, जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासी तापमान क्या है। तो आज विधानसभा मारहरा है जो कि एटा के अंतर्गत आती है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2017 में बीजेपी लहर में एटा की चारों विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में आ गिनी थी और ऐसे में मारहरा सीट से विधायक बने थे वीरेंद्र सिंह लोधी। वीरेंद्र सिंह लोधी इन्होंने सपा के कैंडिडेट को हराया था। सपा के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे और वीरेंद्र सिंह लोधी ने बंपर वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। तो मारहरा सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। मारहरा सीट पे हालांकि एक चीज और है, ठीक है, तो आसिफ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ भाई पेट्रोल चरम पर है, ठीक है, आसिफ एक बार फिर हमारे साथ हैं। आसिफ ये जानने की कोशिश, सिलेंडर काफी महंगा है। जी सर, जी आसिफ मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बार ये पूछेगा कि अगर बीजेपी से विधायक नहीं देखना चाहते तो फिर कौन सी पार्टी से विधायक देखना चाहते हैं वहां के लोग? जी अगर बीजेपी से विधायक को नहीं देखना चाहते तो फिर कौन सी पार्टी ऐसी है जिससे वो विधायक देखना चाहते हैं? भैया क्या नाम, क्या लगता है कि आप किसको विधायक चुनना पसंद करते हैं इस बार, किस पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी का एक ऐसा विकास बताइए जिससे आप दोबारा बीजेपी का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। सबसे पहले बात सर, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है बीजेपी राज जब से आया था। गुंडागर्दी को लेकर बात करूं, एटा के सीमेंट व्यापारी अलीगढ़ में दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी जाती है तो ये चरम कदम पर नहीं? नहीं सर, वो एक अलग चीज है सर, ये तो देखो एक आम बात, बहन बेटियों के साथ बलात्कार के लगातार किए जा रहे हैं। कासगंज की बात करूं, कासगंज में देखा जाता है कि एक थाने के अंदर एक अल्ताफ नाम की लड़की को मार दिया जाता है। सर ऐसे कांड क्या सपा में नहीं हुए हैं क्या, इससे ज्यादा हुए? आपके गुंडा, आपने कहा गुंडा चरम से खत्म हो चुका, कहाँ खत्म हुआ? अब सर वो 5 साल हुई है तो अभी चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, जिला चिकित्सालय में आप जाकर देखें लगातार किसी सांड गाय से लोग एक्सीडेंट, लोगों की मृत्यु हो जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, इसको क्या कहेंगे आप? जितनी सरकार में ये हुआ है, क्या लगता है कि किसको विधायक, किस पार्टी से विधायक चुनना पसंद करेंगे इस बार? सपा से। क्या भाजपा ने काम पूरे नहीं किए? काम पूरे किए, हम तो अभी गाड़ी भर रहे थे अपनी, तो प्राइवेट वाले हमको जबरदस्ती पीटर पीट रहे और अपनी गाड़ी भर रहे, पुलिस मैन को कुछ नहीं कह रहा। अभी हमारे सामने दो साथी है खड़े हुए हैं, एक सपा को चुनना चाहते हैं और एक भाजपा को, ये जाने का जरा कि बसपा का कोई माहौल नहीं रह गया है, बसपा का जीरो हो गई। स्थिति दिखाना चाहूंगा विकास को लेकर, विकास को लेकर स्थिति हमारे यहाँ से कुछ मैं स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, जो नगर निगम का ये बस स्टैंड है, इसकी स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा सर मैं आपको, ये दिखाने की कोशिश करूंगा सर मैं आपको, ये स्थिति है विकास को लेकर 4.5 सरकार, चुनाव फिर नजदीक है, फिर बातें चलेंगी मुद्दों पर, फिर विकास को लेकर वोट भर भर जोली मांगे जाएंगे, विकास देख सकते हैं आप किस तरह से विकास है। ठीक है, और आसिफ क्या बीएसपी का कोई रोल नहीं है अभी हाल फिलहाल लगता है? एटा में बसपा का इस बार कोई रोल नहीं नजर आ रहा है? जी कोई रोल नहीं नजर आ रहा है, जीरो हो गई है क्या बसपा? अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो बीएसपी के जिला अध्यक्ष और उनके कैंडिडेट जितने भी हैं अभी खामोशी इख्तियार करे बैठे हुए हैं, अभी वो हाईलाइट में नहीं है। ठीक है, और एक और चीज यहाँ जानिएगा कि सड़कों को लेकर, दरअसल हम जिस भी विधानसभा की बात करते हैं सड़कों को लेकर तबीयत ज्यादा खराब नजर आती है। हमारे पास जो तस्वीरें हैं वहां भी सड़कों की तबीयत ज्यादा खराब है, जाम की समस्या होना, इसको लेकर जनता क्या सोच रही है, बातचीत करिएगा जरा। जी क्या नाम है? पुष्पेन लोधी। कहाँ रहते हैं? पुष्पेन, हमारे साथ पुष्पेन लोधी है, ये वही लोधी है लेकिन विधायक का बड़ा विरोध है, वीरेंद्र लोधी। मारेरा से। क्या जी सड़कों की हालत कैसी लगती है, मरम्मत है या मरहम लगाया जाता है? मरहम लगाया जाता है लेकिन बेकार, बीजेपी से थोड़ा ये काम चल रहा है ना, दिखावा होता है, बीजेपी का दिखावा है। सीधे तौर से मानना है कि बीजेपी इसे दिखावा कर रही है, कोई कार्य नहीं करती, सिविल लाइन लगातार तंग आ चुकी है सिविल। जी सर, ठीक है, आसिफ ये और पूछेगा कि बीजेपी कहती है कि महिला सुरक्षा को लेकर काफी काम हुआ है, महिला अब सुरक्षित महसूस करती है,
तो क्या है जमीनी हकीकत, क्या है पूछिएगा जरा। क्या सर क्या लगता है, महिला सुरक्षित है प्रदेश में? बिल्कुल नहीं सर, जिस दिन अमित शाह की रैली थी कासगंज में उस दिन दो बेटियों का बलात्कार हुआ, उसके बाद एटा में एक व्यापारी की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण किया गया, कहां सोचा है? ये तो सब जुमले हैं, क्लास आप देख ही रहे हैं। ये मानना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब जुमला है, सारे जुमले 15 लाख का जुमला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जुमला, सबका साथ सरकार का जुमला, किसानों की आय दोगुनी हो गई 27 रुपए प्रति किसान की आय है, ये कहे सब क्या लगता है भैया, क्या लगता है सुरक्षित है? नहीं नहीं, इस सरकार में इतने हालात पीड़े हुए हैं कि जिनकी हम कह नहीं सकते। अखिलेश यादव जी जब सरकार आएगी तब पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे भी असर पड़ेगा, अच्छा होगा, इससे तो पेपर हो नहीं पा रहा, उससे पहले लीकेज हो जाते हैं। तो किसकी किसकी खामियां होती है पेपर लीक हो जाता है? ये सरकार की सरकार खामियां है। हमारे साथ यंगेस्ट वोटर थे, इन्होंने कहा ठीक है पेपर लीक होता है, अगर अखिलेश यादव आते हैं तो विकास हो। आसिफ ये और पूछेगा, इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है बीजेपी के शासन काल में, तो क्या सपा जब आएगी तब महिलाएं सुरक्षित होंगी? इनको ऐसा उम्मीद है, इनको ऐसा लगता है? क्या लगता है अगर अखिलेश यादव 17 में आते हैं महिला सुरक्षित रहेगी? महिला भी सुरक्षित रहेगी और हम बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और अक्सर जैसे जितनी सुरक्षा जितनी मिलती है उतनी अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षा मिलेगी, इसमें तो सब दिखावा है, झूठा दिखावा है। एटा के लिए क्या विकास रहा जब अखिलेश यादव की सरकार रही? एटा के लिए काफी विकास होगा, और दुआ भी था अखिलेश यादव की सरकार में, और इस सरकार में तो अगर पावर प्लांट की बात करिए तो बीजेपी कहती हमने बनाया। नहीं, ये अखिलेश यादव ने ये आरम्भ किया था बनाने का सारा काम, यानी बनाया किसी ने, फीता काटा किसी ने। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास एक मुद्दा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण एक मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर जनता क्या सोच रही है, जो प्रदेश स्तर के मुद्दे बनाए जा रहे हैं? मैं आगे बढ़कर कुछ और साथी हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ भैया, हाँ जी, नाम है? अच्छा, गुटका पान मसाला चल रहा है अभी, क्या नाम है? नाम पूछा, नाम है। क्या लगता है प्रदेश सरकार किस जुमलों पे इस बार चुनाव लड़ेगी? अगर बात करी है तो कहते हैं राजनीति आप करें, अगर सरकार कहती है 2,000 रुपए डालने हैं तो कहते हैं हमको नहीं मिला। राजनीति करना नहीं चाहते लेकिन सरकार का पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं ये कितना प्रभावित करते हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ, ये कितना प्रभावित कर रहे हैं, इसको लेकर जरा पूछिएगा कितना प्रभावित करते हैं? क्या जी जी, हमारे साथ एक बात है, क्या 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 बात? ये बात है, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है जी, क्या कुछ क्या किया गरीब लोगों ने, क्या किया वो तो बोले सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं किया, क्या किया लॉकडाउन लगा दिया, गरीब आदमी भूखा मर गया, क्या जाएगा? राम मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों के धर्म, इनसे पूछिए राम मंदिर की बात पूछिए, काशी कॉरिडोर को लेकर क्या सोच रहे हैं इसके साथ, या मथुरा को लेकर बात हो रही है, तो ये इनके लिए तो ठीक है, इनसे पूछिए जरा। ये बाबा जी का कहना ये था कि ये पूरे बीजेपी के सपोर्टर थे लेकिन उन्होंने हम लोग के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या किया? अच्छा, बाबा जी को कौन सा रोजगार चाहिए ये भी पूछिए, बाबा जी को कौन सा रोजगार चाहिए? बाबा जी क्या लगता है मथुरा को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं? चाहे वो मथुरा को लेकर चुनाव लड़े, राम मंदिर का पूरा हो चुका, लेकर चुनाव लड़े, चाहे वो अयोध्या लेकर चुनाव लड़े, चुनाव इस बार रोजगार पे होना है, शिक्षा पे होना है, स्वास्थ्य पर होना है, ये जनता भटकने वाली नहीं है। हर 5 साल अमूमन शिक्षा चुनाव व्यवस्था को लेकर हर बार होते हैं लेकिन खरा कोई नहीं उतरता, इस
बात जनता ने ठान लिया है कि हमें शिक्षा अच्छी चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान ने ठान लिया है कि हमें वो सरकार चाहिए जो किसानों का भला कर सके। ठीक है, अब इनसे पूछे कौन सी सरकार इनको ये गारंटी देगी, कौन सी सरकार चाहती है जो इन वादों पे पूरे खड़े उतरेंगी, गारंटी देगी? ये अभी समय आगत कब बताएंगे, आपका क्या मानना है? पब्लिक अभी पब्लिक देख रही है कि अभी हमारी अपेक्षा को कौन खराब कर सकता है? आपका एक कीमती वोट किसके स्तर पर मुख्यमंत्री का ताज रख सकता है? आपसे कह रहे हैं कि पब्लिक अभी देख रही है इन जुमले वालों को, ये अपने जुमले देखकर पब्लिक को कितना गुमराह कर सकते हैं, लेकिन अंत समय जब वोट का वक्त आएगा पब्लिक वही काम करेगी जो कहती। अभी जुमलेबाजी की और था, देखते हैं कौन कितना जुमला करेगा। हाँ, और आसिफ एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये तस्वीर जरा चलाइएगा, इस तस्वीर पर आपसे भी बात करेंगे जी। ये तस्वीर जरा चलाइएगा जी। तो ये तस्वीर जो थी, ये जिला पंचायत के जब चुनाव हुए थे जी, उस वक्त की तस्वीर। तो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आसिफ, ये क्या है, इसकी हकीकत बताइएगा जरा, इन वीडियो की, इस वीडियो की। हमारे पास हमारे पास यंगर वोटर है, इनसे पहले इस चीज पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जिला पंचायती में 105 विधानसभा के विधायक का एक चर्चित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो दीवार फरांग कर आ रहे थे, क्या कुछ लगता है इसको, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक विधायक अपने गुटों के साथ आ जाता है और पर्चा फाड़ देता है। ये तो ऐसा है जैसे ये पुलिस प्रशासन भी बीजेपी के लोगों में बिका हुआ है ये समझे, और इससे पुलिस प्रशासन पे सरकार के द्वारा ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, और जैसे हमारी सरकार अखिलेश यादव की जब सरकार आएगी तब पुलिस प्रशासन भी सीमित काम करेगा, जो मतलब जो सरकार चाहेगी वही काम करेगा, नहीं चलाएंगे नहीं पलट कुछ करेंगे। आप अखिलेश यादव को चाहते हैं, जिस तरीके से लगातार आईटी रेड हो रही है समाजवादी पार्टी के लोगों में, क्या कुछ है? नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो सब फर्जी बातें बोल रहे हैं लोग। चलिए ठीक है आसिफ, जरा इसकी हकीकत बताइए, ये जो वीडियो थी ये क्या थी, इसकी कहानी बताइएगा जरा दर्शकों को हमारे। ये जिला पंचायत का एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा फाइल होने जा रहा था, जिसका काफी विरोध हुआ था, उसके पुलिस प्रशासन के बाद नारेबाजी हुई, गंदी गाली गलौज भी हुई, और देखा जाता है कि पीछे की बाउंड्री से जो 105 विधानसभा के विधायक वीरेंद्र लोधी थे वो अपने साथियों के साथ दीवार फलांग कर आए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पर्चा लिया और फाड़ा, और काफी पत्थरबाजी भी हुई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार आज तक के गंभीर रूप से घायल भी हुए, पत्रकारों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया मुकदमा लिखने को, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई पूरे दिन मुकदमा नहीं लिखा। चलिए तो जिस बात को लेकर बीजेपी सत्ता में आने का एक बार फिर रिपीट करने का सपना देख रही है, और जिस बात पर समाजवादी पार्टी को घेरती है वो है गुंडागर्दी, लेकिन गुंडागर्दी की तस्वीरें बताती हैं कि गुंडागर्दी तो दरअसल अभी भी कई जगहों पर परस्पर जारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत कराने के लिए लोगों से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आसिफ। तो आज हम आरारा सीट का तापमान जान रहे थे कि क्या तापमान है, साथ ही साथ जनता का मूड भी जान रहे थे, सियासी नब्ज टटोलने की जरा कोशिश कर रहे थे। जितना कुछ पता चला वो ये है कि नाराजगी तो है, लेकिन जैसे क्रिकेट का मैदान होता है और क्रिकेट का खेल होता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है, कुछ भी आखिरी वक्त पर कुछ भी हो सकता है, आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव के चरण होते हैं, और आखिरी चरण क्या, पहले चरण में भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप एक बार कल फिर हमारे साथ जुड़िएगा, शुक्रिया।